Hi friends, today our topic is capacitance of a two wire lines, and you can say that is single phase line because single phase में two ही wire use होते हैं, तो हम उसको भी बोल सकते हैं that is a single phase line. तो single phase line में two wires use होते हैं, जो कि हमारा एक conductor and this is outgoing conductor, two wire use करते हैं, both are same radius and that is R and R both are same radius at a distance of D. This is a conductor A and this is a conductor B. Now if you notice that it one is incoming wire and one is outgoing wire. So the charge of this wire is positive and the charge of this wire is नेगेटिव डेट यू कैन से के एक में कंडक्टर का करंट इनकमिंग आ रहा है दूसरा आउटगोइंग लाइन है तो आउटगोइंग जा रहा है ये सिंपल है जब हम सिंगल फेज लाइन की बात करते हैं तब क्या होता है एक हमारा जनरेटर होता है जो कि फेज और न्यूट्रल दोनों वायर निकलते हैं सिंगल फेज पे और हमारा लोड आता है तो ये इनकमिंग वायर और इनकमिंग करंट एंड दैट इज एंड दिस इज आउटगोइंग करंट दिस इज हाउ यू आर एबल टू सो जो ये वायर रहेगा उसका हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो ये वायर रहेगा जो कि आउटगोइंग वायर है इसका हमारा नेगेटिव चार्ज रहेगा और यू कैन से दैट क्यू ए इज इक्वल टू माइनस क्यू बी चार्ज हमारा सेम रहेगा क्योंकि हमारी रेडियस सेम है दोनों वायर की रेडियस सेम है जिसके कारण चार्ज हमारा सेम रहता है और यू कैन अप्लाइड द कूलम्स लॉ और सॉरी KCL तो KCL कैसे वर्क करेगा QA प्लस QB इज इक्वल टू ज़ीरो सो हमको QA क्या मिलेगा QA इज इक्वल टू माइनस QB ऐसा कुछ मिलेगा इसके हिसाब से हम ले सकते हैं QA इज इक्वल टू माइनस QB नाउ हमको इसके अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड करना है जो कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं VAB से VAB अभी मैं आपको बताऊँ कि वी हैव कम्प्लीटेड इंडक्टेंस कैलकुलेशन तो इंडक्टेंस कैलकुलेशन में हमने क्या किया था हमने एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों के लिए फाइंड किया था एक्सटर्नली और इंटरनली बिकॉज वहाँ इंडक्टेंस इफेक्ट आ रही थी इंडक्टेंस इफेक्ट में हमको जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर भी और जो कंडक्टर है उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड थी मतलब यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड थी इसके अंदर कंडक्टर है और उसके बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड थी दोनों के लिए कैलकुलेट करना पड़ता है एक एक्सटर्नली आता है और एक दूसरा एक इंटरनली आता है लेकिन जब हम कैपेसिटेंस की बात करते हैं कैपेसिटेंस में हम आपने देखा होगा कि हमने कहीं भी बुक में इंटरनली कैलकुलेशन में नहीं लिया है जो कि हमारा कंडक्टर है हम उसका एक्सटर्नली ही मैग्नेटिक फील्ड को काउंट करते हैं और यू कैन से इलेक्ट्रिकल फील्ड बिकॉज कैपेसिटेंस इज क्रिएटेड बाई इलेक्ट्रिकल फील्ड तो इलेक्ट्रिकल फील्ड पर ही काम करते हैं और उसका एक्सटर्नल मैग्नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड ही लेते हैं जो कि क्यों नहीं लेते बिकॉज एक गॉस लॉ है गॉस लॉ ने क्या बताया है कि जब भी हमारा कोई कंडक्टर होता है और उसके अंदर जब कोई भी पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं अभी पॉजिटिव चार्ज है तो इधर सब पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो एक दूसरे से रिपल करते हैं और वो रिपल्सन के कारण सभी चार्ज उसकी सरफेस पे आके इकट्ठा हो जाते हैं कुछ ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं अभी आपने पॉजिटिव चार्ज पर देखा होगा तो पॉजिटिव चार्ज में कैसा रहता है सभी मैग्नेटिक फील्ड और यू कैन से इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे रेडियली बाहर निकलती है कुछ ऐसा आपने देखा होगा बुक्स में भी दिया होता है ऐसा पॉजिटिव चार्ज से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली बाहर निकलती है जो कि आपने देखा हो तो इस सभी कंडक्टर में से अपनी फील्ड रेडियली आउटवार्ड निकल रही है बाहर जो कि इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ही कहाँ से और इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ही कहाँ से तो कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता इसके कारण वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड और यू कैन से इलेक्ट्रिकल फील्ड इन द कैपेसिटेंस इफेक्ट ओनली वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एक्सटर्नली जो कि हमारा बाहर कौन सा इफेक्ट आएगा वो कैसे फाइंड कर सकते हैं तो अभी हमारे पास कोई एक कंडक्टर है जो कि और उसके एक्स डिस्टेंस और वाई डिस्टेंस पे
एक पॉइंट है और इसका हमें ए पॉइंट, इस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड और कितना वोल्टेज आ रहा है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हमें पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और यू कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इनसे इंटेंसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। और वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, इंटेंसिटी क्यू, क्यू अपना चार्ज होता है, क्यू डिवाइड बाई टू पाई के इंटू वाई, वाई अपना डिस्टेंस है और ये वोल्ट पर मीटर में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। इसका पूरा डेरिवेशन है जो कि इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है और आप बुक में से समझ सकते हैं, सो मैं डायरेक्टली ले लेता हूँ। उसमें क्या होता है, ये अपना वाई डिस्टेंस पे है जो कि अपना चार्ज और यू कैन से पॉइंट पे हमको फाइंड करना है, वोल्टेज फाइंड करना है। तो ये अपना क्या दिखाता है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम दिखाता है, ये अपना के परमिटिविटी, यू कैन से एप्सिलॉन जीरो ऐसा कुछ भी यूज़ कर सकते हो आप के की जगह पे, मैंने यहाँ के यूज़ किया है। और ये हमारी ई की फॉर्मूला है, इसका यूज़ करके हम कैसे फाइंड कर सकते हैं वोल्टेज। और अभी हम कंसिडर कर रहे हैं कुछ पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हमारा डी वन और डी टू डिस्टेंस पे है फ्रॉम द कंडक्टर। सो वो बहुत ईजी है, आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, दिस इज़ अ वोल्टेज एक्रॉस और वोल्टेज बिटवीन दिस टू मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल फील्ड वी वन टू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ और साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ दिस हमारा हमने क्या फाइंड किया, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन और इंटीग्रेट करके हम डायरेक्टली वी वन टू वोल्टेज बिटवीन दिस टू पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। और वो कितना आता है, वो सिंपल हमारा आप कैसे फाइंड करो, वी वन टू और डिस्टेंस हमारा डी वन टू डी टू वेरी हो रहा है, वट इज़ वैल्यू ऑफ ई, क्यू अपॉन टू पाई के वाई डी वाई। सो वट वी गेट, वन अपॉन टू पाई के इज कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी, वन अपॉन वाई एल एन डी टू डिवाइड बाई डी वन, इससे हमको वी वन टू मिलता है इन वोल्ट। दिस इज हाउ यू आर एबल टू फाइंड वी वन टू, दिस डी टू डिवाइड बाई डी वन। ये इतना कुछ खास नहीं है, दिस इज़ अ वेरी सिंपल टॉपिक एंड आपको ये बुक में भी मिल जाएगा, लेकिन इसका यूज़ हम इसमें करते हैं, इसीलिए मैंने आपको एक बार दिखा दिया बाय अ कॉन्सेप्ट कैसा होता है, व्हाट इज़ एक्चुअली इन द फील्ड। अभी हमको ये दो कंडक्टर के बीच में वोल्टेज फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो सेम अभी हम ये फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, अभी जो डेरिवेशन किया उसका यूज़ हम इसमें करेंगे। और व्हाट वी गेट, वी ए बी वन अपॉन टू पाई के वन अपॉन टू पाई एप्सिलॉन जीरो भी आप यूज़ कर सकते हैं के की जगह पे। नाउ फर्स्ट क्यू ए मीन्स चार्ज जो कि फ्लो हो रहा है ये वाले कंडक्टर में से इनवर्ड, जो कि हमारा पॉजिटिव चार्ज है, एल एन डी डिवाइड बाय आर और यू कैन से आर ए, ये डिस्टेंस जो कि दो कंडक्टर में के बीच में है और आर ए, अभी आर ए इज इक्वल टू आर बी इज इक्वल टू स्मॉल आर ले सकते हैं, लेकिन फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई यूज़ आर ए, रेडियस ऑफ दिस वाले कंडक्टर, ये वाले कंडक्टर का रेडियस। सेम एज फॉर दिस कंडक्टर पहले चार्ज ले लेते हैं, पॉजिटिव ही ले लेते हैं, क्यू बी एक्चुअली इट इज़ इन नेगेटिव, बट वेन वी आर फर्दर कैलकुलेट वी विल पुट नेगेटिव वैल्यू। सो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं क्यू बी, नाउ अब उल्टा देखने का, उल्टा कैसे देखते हैं, ये आर ए ये बन जाएगा आर बी, इसका रेडियस आर बी डिवाइड बाई डिस्टेंस डी, इससे उल्टा। और आप जब मेन इक्वेशन देखोगे तो इक्वेशन कैसा रहता है, वी ए बी इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई के इंटू ऐसा कुछ रहता है क्यू ए एल एन डी ए बी, जो कि कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है आर ए। आर ए को जगह पे हम क्या ले सकते हैं, डी ए ए भी ले सकते हैं, जो कि हमने इंडक्टेंस कैलकुलेशन में देखा था कि डी ए ए ले सकते, लेकिन आप डी ए ए को इंडक्टेंस कैलकुलेशन में लेते थे तब क्या आप देखते थे, आर डैश लेते थे, लेकिन जब कैपेसिटेंस की बात करते हैं तब ये आर ही रहेगा, नहीं कि आर डैश यूज़ करने का। आर डैश क्या होता है, 0.7788 टाइम्स आर, लेकिन इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है, डी ए अपना सीधा आर ही रहता है। दिस इज़ यू हैव टू
अंडरस्टैंड प्रॉपरली, अदरवाइज आप ये ले सकते ले लेंगे और आपका आंसर गलत आएगा. सेम एज क्यू बी, यहाँ एलन हम भूल गए. क्यू बी एलन. नाउ इसमें क्या रहता है, आर बी तो डिस्टेंस और रेडियस ऑफ दिस बी वाला कंडक्टर, तो एस डी बी बी ऐसा कुछ ले सकते हैं, और वो अपना आर बी रहेगा. और अभी तो सेम है तो हम आर बी ले सकते हैं, रेडियस सेम है ना, दोनों की रेडियस सेम ली है तो देट इज़ आर. लेकिन फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई यूज आर बी ऑल्सो, कि जब अलग अलग दी हो कंडक्टर की रेडियस तब आप मिस्टेक ना करो. अभी डी तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, डी बी ए डी ए बी और डी बी ए बोथ आर सेम. सो दिस इज एक्चुअल इक्वेशन एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन यू विल गेट दिस वैल्यू, यू अंडरस्टैंड. नाउ अभी आपने क्या देखा, हमारे पास क्यू ए इज इक्वल टू माइनस क्यू बी है, तो क्यू बी का हम माइनस क्यू ए भी लिख सकते हैं, जिसका यूज़ हम इधर करेंगे. सो व्हाट वी गेट, ये इक्वेशन का यूज़ करके हमें वी ए बी कैसा मिलेगा, वी ए बी इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई के, ये वाली इक्वेशन का यूज़ करके क्यू ए एल एन डी डिवाइड बाई आर ए, जो कि हमारे पास ऑलरेडी है, माइनस क्यू ए. अभी क्यू बी की जगह पे हमको रखना पड़ेगा माइनस क्यू ए. सो व्हाट वी गेट, एल एन आर बी डिवाइड बाई डी. नाउ दिस इज सिंपल, इफ यू टेक अ क्यू ए एज अ कॉमन देन व्हाट वी गेट, एल एन डी डिवाइड बाई आर ए माइनस एल एन आर बी अपॉन डी. सो आफ्टर दिस व्हाट वी गेट, क्यू ए 2 पाई के एल एन डी डिवाइड बाय आर ए और डिवाइड बाय आर बी अपॉन डी, ये वाली वैल्यू. दिस टाइप ऑफ इक्वेशन वी गेट. नाउ इफ यू वांट टू फर्दर कैलकुलेट व्हाट वी गेट, क्यू ए अपॉन 2 पाई के एल एन डी अपॉन आर ए इंटू डी डिवाइड बाय आर बी. सो वॉट वी गेट, क्यू ए अपॉन टू पाई के एल एन डी इंटू डी डी स्क्वेर डिवाइड बाई आर ए इंटू आर बी. सो क्यू ए अपॉन टू पाई के एल एन स्क्वेयर को कॉमन ले लेते हैं, जो कि ये अंडर रूट में चला जाएगा आर ए आर बी और उसका स्क्वेयर. This is what we get when the conductor radius are not equal. RA is not equal to RB. लेकिन जब conductor की radius same रहेगी और we can say that RA is equal to RB is equal to R. तब क्या होगा, तब हम कैसा find करेंगे, we get from this equation. ये हमारे पास equation है ही, उसका use करके हम कैसे find कर सकते हैं, QA upon 2 पाई के एल एन डी डिवाइड बाय अंडर रूट. नाउ आर ए इज इक्वल टू आर बी इज इक्वल टू आर हम ले सकते हैं, तो इधर हो जाएगा आर स्क्वेयर और उसका होल स्क्वेयर. सो व्हाट वी गेट, वी ए बी जब रेडियस सेम है दोनों कंडक्टर की, तो हम क्या वी ए बी फाइंड करेंगे और कैसा आएगा हमारा वी ए बी, 2 पाई के एल एन डी डिवाइड बाय आर, ये तो निकल ही जाएगा, उसका स्क्वेयर. सो वॉट वी गेट, ये टू आगे आ जाएगा अपॉन टू पाई के एल एन डी डिवाइड बाई आर. सो वी गेट वी ए बी इज इक्वल टू, आपका वी ए बी कैसा आया, क्यू ए अपॉन पाई के एल एन डी डिवाइड बाई आर. जब कंडक्टर की रेडियस सेम है, ये दोनों कंडक्टर की रेडियस सम है सेम है, तब वी ए बी कुछ ऐसा आएगा.